दिल्ली के यमुना विहार में साफ सफाई का काम जोरों से शुरू हो गया है। महात्मा गांधी की जयंती पर यमुना विहार के लोगों को ये एक तोहफा मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली की सफाई का जिम्मा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया है, जो हर घर में जाकर सफाई करेगी और कचरे को पैक गाड़ी में लेकर जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों की शिकायतों पर ये काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि यमुना विहार में नगर निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के कार्यालय पर इस कार्यक्रम को बीजेपी के झंडे दिखाकर और नारियल फोड़कर शुरुआत किया गया। वहां बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। दिल्ली नगर निगम ने इस काम की शुरुआत 4 वार्डों से की है। क्रावल नगर ईस्ट, क्रावल नगर वेस्ट, यमुना विहार और रामनगर के लोगों को ये सौगात मिली है। और आपको बता दें कि इसके बाद जमुना पार के 64 वार्डों में ये काम किया जाएगा। का विषय है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्य जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज जो कूड़ा उठाने का हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने टेंडर दिया है मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को, उसके माध्यम से घर घर से कूड़ा लेकर के ये जाएंगे। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की ये मांग थी कि सफाई ठीक तरह से नहीं हो रही, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। इसी को लेकर के पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये टेंडर किया और आज हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 4 वार्डों से हमने प्रारंभ किया है। एक वार्ड यमुना विहार है, क्रावल नगर ईस्ट है, क्रावल नगर वेस्ट है और रामनगर से शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद पूरी जमुना पार के अपने जो जितने 64 वार्ड हैं सभी वार्डों में ये निजी हाथों में जो टेंडर दिया है उसके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। और जो आप देखते थे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते थे वो सब अब ऐसा दिखाई नहीं देंगे। ये गीला कूड़ा अलग लेंगे, सूखा कूड़ा अलग लेंगे और जो हॉस्पिटल का कूड़ा उसको अलग लेंगे। उसी तरह से कॉम्पैक्टर के माध्यम से इस कूड़े को ढलाव घर से उठा करके ये लेकर के जाएंगे। और इस कूड़े में भी हम जैसे बिजली बनाना, खाद बनाना, ऐसी सब चीज़ें इसके माध्यम से बनाएंगे और ये एक मील का पत्थर साबित होगा स्वच्छता के लिए। एमसीडी जो है हमारी दिल्ली नगर निगम है वो स्वच्छता के लिए जानी जाती है, तो उसी के तहत आज ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अभी जनता पर इस पर कोई भी एक पैसे का भी भार नहीं पड़ने वाला है और ना ही हम किसी सफाई कर्मचारी को हटाने वाले हैं। जो जिन क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रेगुलर काम करते रहेंगे और किसी भी घर पर अभी कोई भी पैसे का इसको उठाने का टैक्स नहीं लगेगा। संसाधन है जैसे अभी तक काम करा जा रहा था, वो संसाधन क्या मेट्रो कंपनी को दिए जाएंगे या फिर वो खराब हो जाएंगे, क्या होगा? नहीं, अगर उनकी जो वैलिडिटी है और मेट्रो लेना चाहे तो ये उसका अपना निजी फैसला होगा, लेकिन जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है वो तो रोड पे चलेंगे ही नहीं। और ये चूँकि वो भी प्राइवेट थे तो ये सब अब बंद हो जाएंगे और मेट्रो का डिसीजन होगा, कंपनी का डिसीजन होगा उसको कितने चलाने कितने नहीं चलाने। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने वार्डों में, अपनी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में गंदगी ना हो। आज 12 ऑटो टिपर्स का उद्घाटन वार्ड 45 ही यमुना विहार में किया गया है और ये आज से ही इमीडिएट इफेक्ट से 1 तारीख से ही वर्किंग में है। अभी तुरंत हेलो जैसे यहाँ से हरी झंडी दी गई अपने कार्य पर लग गई हैं और निरंतर आज से जनता की सेवा में लगातार बनी रहे। इससे पहले कितने टिपर चल रहे थे क्षेत्र में और कितने की आवश्यकता थी, क्या इनको रिप्लेस किया गया है, क्या इनको नए डाला गया है? 10 ऑटो टिपर मेरे वार्ड में अब तक चल रहे थे। स्ट्रेंथ 12 की थी मगर शॉर्ट होने की वजह से 10 चल रहे थे और 10 में से भी पुरानी गाड़ी होने के कारण 7 गाड़ी 8 गाड़ी की एवरेज रहती थी। 1-2 गाड़ियाँ रोजाना कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ उसमें खराबी रहती थी। अब 12 गाड़ियाँ आज से लगाई गई हैं और ये नई गाड़ियाँ हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं से भी ब्रेक डाउन की या किसी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी और हम और अधिक बेहतर जनता की सेवा स्वच्छता के माध्यम से कर पाएंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके बार से इसका उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम ने इस जोन के अंदर इस वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में घोषित किया हुआ है और आदर्श वार्ड को मानते हुए
हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे मेयर, हमारे नेता सदन सब लोगों के प्रयासों से यह योजना शुरू हो रही है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले चार वार्ड शुरू किए गए हैं, इन चार वार्ड में एक वार्ड आज यमुना विहार वार्ड भी है। अब सफाई में प्राइवेट एजेंसियां भी आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि पहले से स्थिति में कितना सुधार होगा? देखिए, मैं समझता हूँ सफाई व्यवस्था में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपने वार्ड की जहाँ तक बात करूँगा तो मेरा वार्ड सफाई व्यवस्था में बहुत अच्छा था, मगर जो छोटी छोटी चीज़ें थी आज उनको भी दूर करने का एक तरह से संकल्प हम लोगों ने यहाँ से लिया है। हम जो छोटी छोटी समस्याएं थी उन समस्याओं को भी दूर करने की चेष्टा करेंगे, और अधिक संसाधन मिलेंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर हमारे निगम के कर्मचारियों ने, सभी ने मिलजुल कर बहुत बहादुरी के साथ, बहुत तन्मयता के साथ स्वच्छता का और सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। मैं समझता हूँ वह सराहनीय है, और निगम अपनी समाज के बीच में जो छवि बनी है उसको बरकरार रखेगा। जिन गलियों में टिपर नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? वहाँ पर हम हाथ रिक्शा या जो भी संसाधन चाहिए होगा, जहाँ पर जिस तरह के, हर घर तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है, जहाँ जिस संसाधन की आवश्यकता होगी हम उसका प्रयोग करेंगे। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ लाइव 18।